Now we will talk about the antigenic structure of cholera or Vibrio cholerae. Antigenic structure. So the Vibrio cholerae is consist of two antigens. One is heat level flagella H antigen, ठीक है ना, तो हम पहले भी बात कर चुके थे हीट लेवल एच फ्लैजिलर एच एंटीजन वन एंड सेकेंड इज हीट स्टेबल O antigen. And that is also known as LPS or endotoxins. LPS means lipopolysaccharide. And that confer serological specificity. तो यहाँ आप यही समझे जाने कि ये जो इसका जो antigenic structure है that it consist of two. One is heat level flagellar antigen and second is heat stable O antigen or lipopolysaccharide. And now the classification of this cholera vibrio, and that based on the presence of flagellar H antigen, and these are classified serologically into two groups, the cholera vibrios and are biochemically similar vibrios possessing a common flagellar H antigen, and they were classified as group A vibrios and the rest as group B vibrios, that comprising a heterogeneous collection. तो जो हमारे H flagellar और एच एंटीजन फ्लैजिलर वाले जो होते हैं वो अगेन दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ठीक है ना, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ओके, एंड द सोमेटिक ओ एंटीजन स्ट्रक्चर इज ए फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. This coronavirus, and the based on the somatic antigen, that is O antigen, the group A vibrios were further classified into six subgroups. Okay, six subgroups. 1, 2, 6. Okay, ये ए ग्रुप है वो उसको छह सब ग्रुप में फिर दोबारा से डिवाइड कर दिया गया, जिसको अपन ओ सीरो ग्रुप भी बोलते हैं. ठीक है, सिक्स सीरो सब ग्रुप्स और ओ सीरो ग्रुप्स एंड ऑल आइसोलेट्स फ्रॉम एपिडेमिक कॉलेरा टिल 1992 belongs to zero group 1. यहाँ से एक से एक होगा, तो जो हमारे अभी तक जितने भी एपिडेमिक्स हुए हैं, है ना, 1992 तक जितने भी एपिडेमिक हुए
एपिडेमिक ऑफ कोलेरा हुई, सब में वो ये ए ग्रुप वाले ही सी ग्रुप मिले थे। एंड द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ग्रुप 01 एंटीसीरम कॉमनली कॉल्ड कोलेरा नॉन डिफरेंशियल सीरम एंड दिस केम टू यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द पैथोजेनेटिक कोलेरा विद यूज एंड विच आर रेफर्ड टू एज एग्रीपिनिन नेबल विद यूज। हम इनको एग्रीपिनिन विद यूज बोलते हैं। And other Vibrios isolates which were not agglutinated by the 021 antiserum came to be called as non-agglutinable. Or info in short we can say NAG. Non-agglutinated, in short, and they were considered non-pathogenic and hence called non-cholera vibrios. N-C-V. Non-cholera vibrios. क्योंकि ये बीमारी पैदा नहीं कर पाते, नॉन पैथोजेनेटिक होते, इसलिए इनको नॉन पैथोजेनेटिक कोलेरा विब्रियोस कहते हैं। ठीक है, नॉन पैथोजेनेटिक कोलेरा विब्रियोस। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस, मींस हाउ इट फॉर्म्स द डिजीज इन ए ह्यूमन और हाउ इट अफेक्ट्स द ह्यूमन pathogenesis, and then we will study the clinical features which are produced by this Vibrio cholerae. And in human infection, the Vibrio enters orally through contaminated water or food. जब हम कोई भी contaminated water या food का सेवन कर रहे होते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं, और ये विब्रियो होते हैं, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉलेरा का, वो एसिड से बहुत हाईली ससेप्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक एसिडिटी हमारे पेट में है ना, स्टमक में एसिडी या हाइपरक्लोराइड्रिया है ना, तो ये हमको इफेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं कि नहीं किल हो जाते हैं। ठीक है ना, और जो लोग एंटासिड्स ले रहे होते हैं या एंटी एसिड वाली एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उनका वहाँ पे जो जो स्टमक की एसिडिटी है वो घट जाती है, और ये जो पर्सन जो ले रहे होते हैं आदमी वो इन्फेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं ना, एंड दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा विब्रियो। Those who are on antacids और जो PPI होती है प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स है ना, जैसे एलोपैथी में खाते हैं ना सुबह सुबह खाली पेट ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल या लेवाप्राजोल, ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं एंटी एसिड तो वो स्टमक की एसिडिटी को कम कर देते हैं और इनके इन्फेक्शन के लिए वो पर्सन्स प्रोन हो जाते हैं। ठीक है ना, और जब ये वैसी लाई हमारी एंटर करता है अंदर है ना, तो ये हमारे कहाँ एंटर करेगा, अगर हमारे ये स्टमक सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच गया। ठीक है, तो वहाँ ये क्या करेगा, इट पेनिट्रेट्स द म्यूकोसा एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम बाय इट्स एक्टिव मोटिलिटी एंड म्यूसिनेस एंड अदर प्रोटियोलाइटिक एनजाइम्स। इसकी जो नेचर है ना,
एक तो एक्टिवली मोटाई है ये, और ये म्यूसिनेज में आता है, और इसका एक दूसरा और है जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम भी डेवलप करता है, और इसकी वजह से ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन उनको ये इफेक्ट कर लेता है, ठीक है। और जब ये वहाँ पे अटैच हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, तो ये क्या करेगा वहाँ पे एंटीलियोटॉक्सिन्स सीक्रेट करेगा, है ना, जिसको हम पहले कोलेरा टॉक्सिन भी कहते थे, वहाँ सीक्रेट करेगा। एंड एंटीरियर टॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स दैट इज ए एंड बी, है ना। सबसे पहले तो हम इनहेल करेंगे इसको, इनहेल करने के बाद में अगर हमारे स्टमक की एसिडिटी कम हुई तो ये एंट्री कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने के बाद में ये जो फिंड्रियाज होती है इसके अंदर उससे ये अटैच हो जाता है, और एक्टिवली मोटाइल और जो म्यूसिनेज और दूसरे तरह के जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनसे ये वहाँ डेवलप करता है, ठीक है। एंड जो आफ्टर एडहेरेंस विब्रियो सीक्रेट, अभी मैंने बोला जब भी मत चिपक जाता है, एडहेर कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, तो वहाँ पे ये एंटीरियर टॉक्सिन डेवलप करता है या बनाता है, ठीक है ना, जिनको हम पहले कोलेरा टॉक्सिन कहते थे। ओके, एंड इन दीज एंटीरियोसाइट्स द सब यूनिट ए फ्रैगमेंट्स एंड ए टू आर एक्टिवेटेड यूनिट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एडिनाइलेट साइक्लेज दैट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक एडिसोनिन मोनोफॉस्फेट दैट इज ऑल्सो नोन एज CAMP, है ना। इसका जो फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिसोनिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड दिस लीड्स टू आउट पोलिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन्स एंड प्रोड्यूस डायरिया, ठीक है ना, ये डायरिया इसने प्रोड्यूस कर देगा। एंड दिस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इनहिबिट्स सोडियम एब्जॉर्प्शन इन द विलाइज, जो हमारी आंखों की विलाइज होती है वहां पर सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा एंड रोक देगा, इनहिबिट मतलब रोक देता है, एंड इंक्रीज सोडियम कंसेंट्रेशन इन द ल्यूमन, ठीक है ना, और जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है उसमें सोडियम का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, एंड दिस रिजल्ट्स मोर आउटपोरिंग ऑफ वाटर, है ना, और ये किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी निकलने लगेगा एंड दैट इज नोन एज कोलेरा। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस, है ना। अब कोलेरा की बात करेंगे हम, जो कोलेरा डिजीज होती है, कोलेरा डिजीज सबसे पहले तो ये एक्यूट डायरियल डिजीज है जो हमारे विब्रियो कोलेरा से होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो दैट विल वेरी फ्रॉम लेस देन 24 आवर्स, जैसे ही वो विब्रियो हमारे एंट्री की तो विद इन 24 आवर्स में चौबीस से पाँच दिन के अंदर ये डिजीज प्रोड्यूस करती है। एंड जो क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे वो दैट बिगिंस वेरी स्लोली स्लोली इन डायरिया इन द फॉर्म ऑफ डायरिया एंड वोमिटिंग इन 1 to 3 days, है ना, 1 से 3 दिन में डायरिया वोमिटिंग आएंगे एंड एब्रप्टली एंड मैसिव डायरिया एंड About 60% of infections with this classical Vibrio cholerae are asymptomatic, and as are about 75% of infections with
this E.L. Torr biotype, and in its more severe form, cholera is dramatic and terrifying illness in which the profuse, painless, watery diarrhea and copious, effortless vomiting may lead to hypovolemic shock and death in less than 24 hours. है ना, और 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें डेथ भी हो सकती है. एंड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस सीवियर डायरिया रियल्स फ्रॉम द मैसिव लॉस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. जो हमारी बहुत डायरिया और वोमिटिंग होती है और इसमें हमारा बहुत तेजी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूड लॉस होता है, इसकी वजह से हम पेशेंट डायरिया और वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है. एंड द स्टूल ऑफ दिस कोलेरा इज ए वेरी करेक्टरिस्टिक्स और टिपिकली करेक्टरिस्टिक्स. इसमें हमारा क्या हुआ, कलरलेस वाटरी फ्लूड विद फ्लेक्स ऑफ म्यूकस एंड दैट रिजेंबल्स विद राइस वाटर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइस वाटर स्टूल्स, है ना, चावल के माड़ जैसा दस जो होता है इसको हम पेशेंट कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल पतला पानी चावल के माड़ जैसा हो रहा है ना. सो द आउटपोरिंग और ज़्यादा स्टूल होने से हमारा क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन, हाइपोकैलेमिया, वेस्ट डेफिसिट एसोसिएटेड एंड द शॉक में आता है ना. ये इसके सिम्टम्स हैं. कौन कौन, मैं अगेन रिपीट करता हूँ. नंबर वन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का कमी होगी, डिमिनिशन होगा, है ना, एंड हीमो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, मतलब हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम की कमी होगी, हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम की कमी होगी, एंड जिसकी वजह से हमें प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन होगा और सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकती है और पेशाब भी सब कम आएगा, जिसको कहते हैं एनीमिया, है ना, एनीमिया भी हो जाएगा. और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें कोलेरा में, वो दैट इज मस्कुलर क्रैम्प्स, रिनल फेलियर, पल्मोनरी इडिमा, कार्डियक इडिमा एंड पैरालिटिक इलियस. दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कोलेरा. एंड द मॉर्टलिटी रेट विदाउट ट्रीटमेंट इज बिटवीन 25-50%. ओके, 25-50% के बीच में इसकी मॉर्टलिटी रेट रहती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेरा और पैथोजेनेसिस ऑफ दिस विब्रियो कोलेरा. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हमको स्टूल की जरूरत होगी, ठीक है, और स्टूल दो तरह का हो सकता है, वाटरी स्टूल और रेक्टल स्वाब. मतलब स्टूल नहीं हो रही है तो हम वहाँ से रेक्टल स्वाब. तो यहाँ हम बात करेंगे हम इसके कलेक्शन कैसे करना है इसके सीजन का, ठीक है. तो कलेक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो रबर जो कैथेटर होते हैं, है ना, कैथेटर कैथेटर डाल के और स्टूल का सैंपल ले सकते हैं. दूसरा रेक्टल स्वाब, है ना, एक तरह का स्वाब होता है, उससे हम इसको रेक्टम में इंसर्ट करके वहाँ से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूल को, ठीक है ना, और उसको फिर हम सेंड करते हैं पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में और टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. और टेस्टिंग के बाद हम पता करते हैं भाई इसमें इन्फेक्शन कैसा है. तो ये सैंपल हो गया स्टूल का. और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ये बात की थी जब हम कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इसका डाई हो जाता है
तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसको सैंपल कलेक्ट करके और होल्डिंग मीडिया, हमने बात की थी होल्डिंग मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो होल्डिंग मीडिया में इसको रखने के बाद में, प्रिजर्व करने के बाद में हमें तुरंत लेबोरेटरी में भेजना होता है, ठीक है ना। अगर हम लेबोरेटरी नहीं भेज पा रहे होते तो इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको फॉर टाइम भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड जब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की, तो इसमें माइक्रोस्कोपी इज नॉट रिकमेंडेबल, और जो रेयर्स होते हैं वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होते और रिलायबल नहीं होते हैं। एंड फॉर रैपिड डायग्नोसिस द करेक्टरिस्टिक्स मोर्टिलिटी ऑफ विद्रियो, है ना, हमने बताया कि इसके डार्टिंग मोशन होता है जब हम इसकी एक हैंगिंग ड्रॉप स्लैब बनाते हैं, ठीक है ना, और माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं, तो इसमें बहुत तेजी से ये दौड़ते हुए नजर आएंगे, डार्टिंग मोटिलिटी। तो दिस इज माइक्रोस्कोपिक। एंड व्हेन कल्चर, कल्चर की हमने बात करी ली, हम कहाँ पे इसको कल्चर करते हैं, ठीक है ना, ये चाहे वो न्यूट्रिएंट एगर पे हो, चाहे मैकम की एगर पे हो, चाहे बीएसए हो, चाहे टीसीसी हो, चाहे टीटीटीपी हो, देर आर सो मैनी कल्चर्स और मीडियाज विच आर डिस्कस्ड अर्लियर। एंड नाउ द आइडेंटिफिकेशन, है ना, जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो हम इसको आइसोलेट करने के बाद में इसके सब टाइप्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एंड द कॉलोनी जो फॉर्म होंगी उसको हम स्लाइड एग्रीगेशन टेस्ट के माध्यम से इसको टेस्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो स्लाइड एग्रीगेशन टेस्ट जब अगर पॉजिटिव होता है तो हम इसको टेस्टेड करते हैं ओगावा, इनावा एंड हिकोजामा सीरा के साथ, है ना, दीज आर द ओगावा, ओगावा, ठीक है ना, वन एंड सेकंड इज इनावा, ठीक है, ये एंटी, ये सब एंटी सीरा है। एंड थर्ड वन इज हिकोजिमा, हिकोजिमा, दिस ऑल आर द एंटी सीरा बाय विच मेक दिस स्लाइड एग्रीगेशन टेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलोनी वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन टू पार्ट्स, ओके। सो आई होप you will understand all these things, and if any query you are free to ask him by sending sub questions, okay, thank you.